So welcome back guys and in today's video we are going to talk about the types of social research so the first one stands for the applied research second exploratory research third descriptive research fourth explanatory research fifth quantitative research sixth qualitative research and the last and the foremost is conceptual research subscribe now and press the bell icon never miss an update सो so गाइस अब हम बात करने वाले हैं अप्लाइड रिसर्च के बारे में सबसे पहले अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें अप्लाई किया जाता है टू सोल्व स्पेसिफिक और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को और गाइज इसका सेकेंड पॉइंट ये है ये जो रिसर्च है ये एक एवरीडे प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है गाइज इस रिसर्च की हेल्प से हम ओल्ड थ्योरीज को वेरीफाई कर पाते हैं और हम टेस्ट कर पाते हैं न्यू थ्योरीज को और डिस्कवर कर पाते हैं हम न्यू फैक्ट्स को जो इस रिसर्च का सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है गाइज जो कुछ भी हम इसे एनालाइज करते हैं हम उसको इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं सो गाइज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जैसे इसके नाम से ही है एक्सप्लोरेटरी मीन्स हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को गाइस इस रिसर्च के अंदर जो हम भी टॉपिक लेते हैं एक्सप्लोर करने के लिए उसके ऊपर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है गाइस इस रिसर्च को हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हम इस रिसर्च को रिसर्च करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें और उसके ऊपर हम फ्यूचर स्टडी कर पाएँ गाइज़ इस रिसर्च की हेल्प से हम डेवलप करते हैं न्यू आइडियाज़ और हाइपोथिस को नेक्स्ट है गाइज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसके भी हमें नाम से पता चल रहा है डिस्क्राइब करना किसी भी फिनोमिना को जो कोई भी एग्जिस्ट करता है सेकेंडली हम इसको यूज़ करते हैं एक्सप्लेन और आइडेंटिफाई करने के लिए और टू ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इशू के ऊपर ये हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या इवेंट के बारे में हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं ताकि हम आंसर फाइंड कर सके वाट who, where and whom के questions का guys. Now guys explanatory. Guys जो इससे पहले गया था वे था explore. एक्सप्लोरेटरी जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे थे और अब है एक्सप्लोनेटरी जिसके अंदर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव को सो so गाइज़ इसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं वाई एंड हुम दिस प्रॉब्लम अकरिंग ये जो प्रॉब्लम जो कोई भी है ये हो ही क्यों रही है और हम इसके अंदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं ताकि हम उससे कुछ इल्वाल्व कर सकें गाइज इसके अंदर हम आंसर को सीख करते हैं वाई समथिंग इज़ हैपनिंग सो सोगाइज़ कोांतिटेटिव रिसर्च क्वान्टिटेटिव का मीनिंग होता है किसी भी न्यूमेरिकल और स्टैटिक फॉर्म से सो so सोगाज़ इसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं किसी भी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को फिर हम हेल्प लेते हैं थ्योरीज और टेस्टिंग की जिससे हम मेज़र करते हैं न्यूमेरिकल और स्टैटिक मेथड से किसी भी डाटा को फिर हम प्रोवाइड करते हैं डाटा को न्यूमेरिकल एंड स्टैटिक फॉर्म में ताकि रिसर्चर्स उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च कर सकें बाय मेथड ऑफ़ क्वेश्चनरीज एंड इंटरव्यूज एंड सर्वेज हम जो है न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं एंड लेटर ओन उसके ऊपर एनालाइज करके उसकी स्टेटिक्स बनाते हैं सो गाइज सिक्सथ वन इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है स्टडी होती है किसी भी सोशल और ह्यूमन बींग की सेकेंड पॉइंट है गाइज़ नो गैदर इन्फॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल और स्टैटिक फॉर्म किसी भी न्यूमेरिकल या फिर स्टैटिक फॉर्म में कोई भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे गैदर नहीं किया जाता यहाँ पे फोकस किया जाता है उस ए, क्या कहते हैं उस डाटा की क्वालिटी के ऊपर कि डाटा कैसा है एग्जाम्पल के तौर पे ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग द एटीट्यूड फीलिंग्स बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हम गाइज इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट करते हुए ऑब्जरवेशन और इंटरव्यू मैथड के थ्रू करते हैं गाइज सो द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ कॉन्सैपचुअल रिसर्च गाइज हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च के अंदर जर्नली डेवलप करते किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ को ताकि हम रिप्रेजेंट कर पाए किसी भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को किसी भी डिफरेंट एंगल या फिर प्रोस्पेक्टिव से गाइस इसके अंदर हम रिलेट करते हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज और आइडियाज़ को गाइस ये हमें आखिरी में ये रिसर्च हमें एक कंक्लूजन प्रोवाइड करती है गाइस, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू वॉच माई अदर वीडियो ऑन दी सोशल रिसर्च एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल